केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। शराब ठेके के कलेक्शन एजेंट से लूटपाट करने वाले चौथे बदमाश को भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश का नाम अजय पुत्र सुरेंद्र है और वह किठौर थाने के ग्राम हसनपुर का रहने वाला है। बीती रात उलदेपुर चौराहे के पास पल्लवपुरम पुलिस चौकी ने चेकिंग के दौरान यह मुठभेड़ की। खिरवा पुल के निकट लूटपाट की इस वारदात को अजय, सौरभ, हरित व मुनेन्द्र ने अंजाम दिया था। एक दिन पूर्व ही पुलिस ने सौरभ को मुठभेड़ में घायल करने के बाद हरित व मुनेन्द्र को भी गिरफ्तार कर लिया था। अजय के भी पैर में गोली लगी है, देखिए। इस बारे में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने यह जानकारी दी। देख, थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में 16 अक्टूबर को एक लूट की वारदात हुई थी, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए थे तथा 2 अभियुक्त अभी वांछित चल रहे थे। आज थाना पल्लवपुरम पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि उनमें से एक अभियुक्त, जिसका नाम अजय है, पुत्र सुरेंद्र, ये थाना गंगानगर से पल्लवपुरम क्षेत्र की तरफ आ रहा है टूटी हुई बाइक पर बैठकर। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उलदेपुर नाम का चौराहा है, वहाँ पर पुलिस द्वारा यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई थी और चेकिंग की जा रही थी। इसने जब ये वहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया, पुलिस द्वारा इसे, जो अजय, उसे रुकने का इशारा किया गया, परंतु इसने रुकने के बजाय पुलिस पर फायर कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है और इसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसके पास से जो लूटी हुई बाइक है और तमंचा, जो 2 जिंदा कारतूस और 25,000 रुपये बरामद हुए हैं, इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। आप लोगों को विस्तृत जो प्रेस नोट है, जल्दी इसमें जारी किया जाएगा तथा इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।